पड़ जाएगी। विद्रोह विधानसभा चुनाव को 6 महीने हो चुके हैं, इन वादों पे, इन वचन पत्र पे कांग्रेस मध्य प्रदेश को सत्ता में आई, उन वादों की पूर्ति की तरफ कांग्रेस जाने के बजाय आपसी कलह में, आपसी गुटबाजी में और एक दूसरे को संभालने की कोशिशों में ये मध्य प्रदेश के 6 महीने मध्य प्रदेश के विकास को रोका, मध्य प्रदेश में अराजकता की स्थिति हुई और मध्य प्रदेश के हर वर्ग तकलीफ हुई, वो परेशान किया, विद्यार्थी से लेके बुजुर्ग तक, मजदूर से लेके किसान, कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसको सरकार ने राहत दी हो या राहत देने की कोशिश भी की हो। प्रदेश अराजकता की स्थिति में है, लगातार स्थानांतरण हो, अधिकारियों की मानसिकता में स्थायित्व तो नहीं आ पा रहा, वो किसी जगह जाते हैं और उनको ये लगता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसको दराड़ आ जाएगा, ये मानसिकता उसको काम करने में रुकावट डालती है। रोज विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा की आचार संहिता था और आचार संहिता खत्म होने के बाद आज तक 5 जुलाई तक सरकार ने तबाक का उद्योग पूरी तरह चालू रखा है, 500 से ज़्यादा IAS और IPS को बदल दिया, बहुत नई नई लिस्टें आ रही। कांग्रेस के लोग प्रदेश में 15 साल बाद आए, अधिकारियों से, कर्मचारियों से, प्रशासनिक लोगों से बदतमीजी कर रहे हैं, उनसे विवाद कर रहे हैं और अपना रुतबा बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में कहने को एक मुख्यमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री, सुपर मुख्यमंत्री, जूनियर मुख्यमंत्री, करीब के वरिष्ठ मुख्यमंत्री, इस तरह 3-4 शक्ति के केंद्र मध्य प्रदेश में स्थापित हो गए। जनता परेशान, कर्मचारी परेशान और कांग्रेस के घोषणा पत्र के क्रियान्वयन में कोई कार्रवाई नहीं, इन सबको लेकर कल इन्होंने पूरे प्रदेश में ये बताया कि हम